आज की डेट में 85% जनरेशन एंड्रॉयड फोन का यूज करती है, लेकिन 25% ही लोग ऐसे होंगे जो एंड्रॉयड में दिए जाते ऐप्स और फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज रखते होंगे। वैसे तो एंड्रॉयड हमें बहुत सारे ऐप्स प्रोवाइड करता है, लेकिन हर एक ऐप का अपना एक अलग काम और मकसद होता है। अगर मैं एंड्रॉयड में प्रोवाइड किए जाते सभी ऐप्स के रिलेटेड आपके साथ इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो फिलहाल तो मैंने जो प्रॉब्लम एंड्रॉयड फ़ोन में फेस की है उसी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा इस वीडियो में। अगर आप 3/32 का फ़ोन यूज़ करते हैं तो शायद आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी। होता क्या है कि हमारे 3/32 वाले फ़ोन में जल्दी हमारी मेमोरी स्टोरेज फुल हो जाती है, जिस करके हमें अपने फ़ोन में कोई भी वीडियो, मूवी, ऐप, कुछ भी डाउनलोड करने के लिए हमें अपनी फाइल मैनेजर में से कुछ ना कुछ डाटा डिलीट कर उसकी स्पेस को इनक्रीज़ करना पड़ता है। अगर आपने इस प्रॉब्लम को फेस किया है या कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कोई मेमोरी कार्ड इंसर्ट किए बिना आप अपने फ़ोन की इंटरनल मेमोरी की स्पेस को इनक्रीज़ कर सकते हैं। हे गाइस, मी योर इट्स हैरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। हाँ जी गाइस, आप सभी के फ़ोन में गूगल ड्राइव के नाम से एक एप्लीकेशन ज़रूर अवेलेबल होगा। गूगल ड्राइव की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये हमारे पर्सनली जीमेल से कनेक्टेड होता है। मान लीजिए बाय चांस आप जल्दी जल्दी में घर से निकल गए और आप अपना फ़ोन अपने साथ लेना भूल गए, या कभी कभार क्या होता है कि हम ट्रैवलिंग पे होते हैं और हमें चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलती और हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसे में अगर आपको आपके पर्सनली डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है तो आप किसी भी साइबर कैफे पे जाके या फिर अपने फ्रेंड फैमिली के फ़ोन में अपना जीमेल लॉग इन करके आप अपनी गूगल ड्राइव में सेव सभी डॉक्यूमेंट्स सभी कंटेंट को यूज़ में ला सकते हैं, वो भी बिना अपने फ़ोन का यूज़ किए। बस आपको करना ये है कि आप अपने पर्सनली फ़ोन में जो भी आपका पर्सनल डाटा है जो आप कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं उसको आपके गूगल ड्राइव में अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कहीं पे भी जाना हो आपके फ़ोन की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपना आप जीमेल और उसका पासवर्ड अपने पास रखो, आप कहीं पे भी किसी के भी फ़ोन में अपनी जीमेल आईडी लॉग इन करके आप अपनी गूगल ड्राइव में सेव किसी भी फाइल को, फोटो को, किसी भी कॉन्टैक्ट को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, गूगल ड्राइव की मेन सेकेंड बात यह है कि ये हमें ऑफलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मेनली होता क्या है कि अगर आपने कोई भी डाटा अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया और आप उसे कहीं पे भी यूज़ करना चाहते हैं तो वह तब तक आप यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप अपने पीसी या फ़ोन को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप किसी भी फाइल एक्सटेंशन को ओपन तक नहीं कर सकते। गूगल ड्राइव में ऑफलाइन मोड की यही खासियत है कि अगर आपने कोई भी डाटा एक बार गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया और आप उसे सेटिंग में जाकर ऑफलाइन मोड में भी सेव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने गूगल ड्राइव को एक फाइल मैनेजर या गैलरी की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। हाँ जी, नेक्स्ट काम आपका क्या है कि जब आपने पूरा डाटा अपने गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया तो आप सेटिंग में जाकर उसका बैकअप लेना मत भूलिए। बैकअप से क्या होता है कि अगर आपका डाटा गलती से भी गूगल ड्राइव से रिमूव हो भी जाता है तो आप बैकअप लिए हुए डाटे को अपने गूगल ड्राइव में आसानी से वापस लेकर आ सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास बिन। गूगल ड्राइव हमें बिन जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बिन में क्या होता है कि अगर आपसे कोई डाटा डिलीट हो गया और वह परमानेंटली डिलीट ना होकर वह बिन में शिफ्ट हो जाता है, अगर आपसे वह गलती से डिलीट हुआ है तो आप बिन में जाकर उसे वापस रिकवर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको वह डिलीट ही करना है तो आप परमानेंटली उसे डिलीट करने के लिए पहले आप बिन में जाएंगे और बिन में जाकर उसी डाटा को वापस डिलीट करेंगे तो वह आपकी बिन से भी डिलीट हो जाएगा। इसका काम बिल्कुल रिसाइकल बिन की तरह होता है जो हमें कंप्यूटर या पीसी लैपटॉप में प्रोवाइड किया जाता है। हाँ जी, अब हम पहुंच चुके हैं गूगल ड्राइव के लास्ट पॉइंट पे, जिसपे आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे गूगल ड्राइव के थ्रू अपने फ़ोन की इंटरनल मेमोरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। गूगल ड्राइव हमें 15 GB तक की इंटरनल स्टोरेज बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़ोन में से 15 GB तक का डाटा बिल्कुल फ्री में बिना किसी प्रीमियम पैकेज के, बिना किसी एक्सटर्नल डिवाइस के गूगल ड्राइव पे अपलोड करके रख सकते हैं। हाँ जी, मेनली इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपको आपके फ़ोन में 1 GB तक की स्पेस खाली चाहिए और आपका फ़ोन पूरे डाटा, डॉक्यूमेंट और फोल्डर्स के साथ फिलअप हो चुका है, बिल्कुल भी स्पेस बाकी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके फोल्डर्स हैं, आप उनको बिना किसी डर के गूगल ड्राइव पे अपलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद उसका बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने के बाद वह सभी फोल्डर और फाइल्स को आप ऑफलाइन मोड में अवेलेबल कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के भी उन फाइल्स को यूज़ करना है तो वह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, जब आपने ये सारा प्रोसेस ख़त्म कर दिया और अब आपने अपने इंटरनल मेमोरी में जाकर, फाइल मैनेजर में जाकर आपको जितने डाटा को डिलीट करना है कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, क्योंकि आपका जो डाटा है वह गूगल ड्राइव पे सेवली पड़ा है और जब भी आपको वह डाटा वापस चाहिए तो आप गूगल ड्राइव से रिकवर कर सकते हैं।
हाँ जी, अगर आप गूगल ड्राइव में दी जाती 15 GB स्टोरेज को भी आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनके लोड अनुसार प्रीमियम पैकेज को खरीद सकते हैं। उनके प्रीमियम पैकेज के बारे में ऑनलाइन डिटेल दी जाती है, आप वहां से जाकर इन प्रीमियम पैकेज को बाय कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, मेरा इस वीडियो में मेन मोटिव यही था कि मैं आपको आपके फोन में दिए जाने वाले गूगल ड्राइव के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी दूँ, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपके फोन में जो गूगल ड्राइव दिया जाता है वह किस मकसद के लिए दिया जाता है। हाँ जी गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार फिर से कहता हूँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।